प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुनरकी थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के रहने वाले आसिम नाम के युवक बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग के शौकीन हैं और इसी को लेकर वह लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और अपने हुनर से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं एवं सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम फेसबुक पर छोटी छोटी रील्स बनाकर अपने हुनर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं अब उन्होंने अपना हुनर दुनिया के सामने लाने के लिए अपने पिता के ऊपर एक इमोशनल सॉन्ग बनाया है जिसको लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। आसिम अपनी आने वाली जिंदगी में खुद को एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं जिसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आसिम बेहद गरीब फैमिली से आते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करके अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें पसंद करना भी शुरू कर दिया है। उनके पिता के ऊपर बनाए गए इमोशनल गाने को हजारों से ज्यादा की संख्या में लोगों ने देखा है। आसिम की टीम में रईस अहमद आसिम अली शामिल हैं जो इनकी सहायता करते हैं जिनकी मदद से यह एक्टिंग कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम अली है। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या फ्यूचर है आपका? जी मैं जो है मतलब बचपन से मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, और इसी को लेकर मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जो हुनर को है दिखाते रहता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक, और अभी मैंने फिलहाल ही में यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम आसिम स्टार है। उस पर मैंने पापा के ऊपर इमोशनल सॉन्ग का रीमेक भी करा है जिस पर कि मतलब काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, हज़ारों की संख्या में उसको देखा भी गया है और मैं आगे चल के एक्टर बनना चाहता हूँ। कंटेंट का गाना यह है कि पापा के ऊपर एक रैप है, पापा का जो लोग मतलब पापा के ऊपर वो करते हैं ना, पापा की मतलब अहमियत दिखाई गई है उसमें रैप के ऊपर, उसमें मैंने एक्टिंग करी है। और उसके अंदर मेरे एक बड़े भाई हैं, भाई जैसे दोस्त थे मेरे, उन्होंने टीम में फिलहाल तो मैं ही हूँ, मेरी टीम है, बाकी और लोग जो मेरा साथ बहुत देते हैं जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं उनका नाम रईस अहमद है, जिन्होंने कि मैं उस रैप में पापा का किरदार निभाया है, उन्होंने भी उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया मेरा, उन्होंने बहुत बड़े एक्टिंग करी है जिसकी वजह से गाना मतलब अच्छा लगा है।